हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा से जुड़े हुए गेट की। तो क्वेश्चन पहली क्या कहती है, कंसीडर द वेक्टर स्पेस आर क्यूब एंड द मैप्स जो एफ और जी हैं आर क्यूब से आर क्यूब में जा रहे हैं, डिफाइन बाई जो फंक्शन एफ एफ जो एक्स वाई जेड है वो है एक्स एक्स कॉमा मॉड वाई कॉमा जेड, और जो दूसरा फंक्शन जी है वो है एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन कॉमा जेड। तो हमें बताना है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं चार कि एफ और जी लीनियर होंगे, दोनों में से कोई भी लीनियर नहीं होगा। तीसरा हमें दे रखा है कि जी तो लीनियर होगा बट एफ नहीं होगा, लेकिन चौथा बोला एफ होगा लेकिन जी नहीं होगा। तो देखिए, लीनियर प्रॉपर्टी का अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें ये पता होता है कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जो होना चाहिए वो होता है एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। अगर इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट शो करते हैं तभी हम उस फंक्शन को लीनियर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, ए और बी दो स्केलर ले लिए और हमने अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिए, एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू जो कि बिलोंग करेंगे आर क्यूब में। तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो एफ के लिए बात कर रहे हैं तो एफ में तो फॉर्म कैसा फंक्शन होगा, एक्स फिर कॉमा मॉड वाई कॉमा जेड। तो उससे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू मॉड में आ जाएगा, फिर क्या जाएगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू। अब मॉड में आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के, है ना। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन हट के क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल, यानी कि जो हमारा साइन होता है इक्वलिटी का वो यहाँ पर नहीं होगा, कट हो जाएगा, यानी कि वो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को फॉलो नहीं करेगा। तो एफ आपका लीनियर नहीं होगा। सेम वे में, सिमिलर वे में जब आप फिर से अप्लाई करेंगे जी के लिए, ये आपका जी है ना, इस चीज़ के लिए आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको जी भी लीनियर नहीं मिलेगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा, नीदर एफ नॉर जी इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और क्वेश्चन क्या कहती है, लेट जो मैपिंग है एफ वो आर फोर से आर में जा रही है, बी ए लीनियर फंक्शन है डिफाइन बाई एक्स जो फंक्शन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स टू, इफ इनर प्रोडक्ट डिनोट्स द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर की पावर फोर देन द यूनिक वैक्टर वी बिलोंग्स टू आर फोर सच दैट एफ डब्ल्यू, इसको इनर प्रोडक्ट में वी कॉमन डब्ल्यू है फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर की पावर फोर इज, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, हमें तो ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, एफ जो जा रहा है वो मैपिंग आर फोर से आर में जा रहा है और फंक्शन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर किसके बराबर है, माइनस एक्स टू के बराबर है। इसके अनुसार जो वी भी बिलोंग करेगा वो आर की पावर फोर में करेगा, यानी कि जो वी होगा वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में एफ डब्ल्यू किसके बराबर दे रखा है, माइनस एक्स टू। तो इस हिसाब से इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ एक्स टू का कोफिशिएंट माइनस वन है यहाँ जाएगा, बाकी एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर क्या है, जीरो जीरोज हैं, यानी कि जो आपका वी वेक्टर हो जाएगा वो होगा जीरो माइनस वन जीरो जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।